हाय फ्रेंड, मेरा नाम रिजवान है। ये सैमसंग G531F फ़ोन है, यानी ग्रैंड प्राइम। इसमें माइक प्रॉब्लम है। आइए इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक के लिए इसको खोलेंगे। ये फ्रेंड, ये ओपन हो गया है। अब इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये देखिए, ये माइक है। देखिए, हम दिखा रहे हैं, ये माइक है। इसको निकाल के इसमें चाइना माइक कैसे लगाते हैं, आइए इसको हम बताएंगे कि कैसे चाइना माइक इसमें लगाते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के बाद माइक को रिमूव करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमने माइक को रिमूव कर दिया है। अब इसको मल्टीमीटर से पहले चेक करते हैं। मल्टीमीटर से पहले इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखते हैं कौन सी लाइन पे सप्लाई आ रही है या नहीं। सप्लाई आ रही है और ये माइनस है। देखिए फ्रेंड, ये नो कनेक्शन है। देखिए इस पर सप्लाई आ रही है और ये ऊपर वाला ग्राउंड है। इसके लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें अरे किसी पुराने बोर्ड का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो एक किलो से 10 किलो ओम्स का होना चाहिए। 1 किलो से लेके 10 किलो ओम्स का होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। आइए हॉट गन से पहले उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसमें लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अभी दिखा रहे हैं कि ये कितना बारीक होता है, छोटा सा। देखिए फ्रेंड, ये बहुत बारीक है, ये बराबर दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस है, इसको लगाएंगे। इसमें माइनस और प्लस नहीं होता है, कोई भी साइड कर लगा सकते हैं। दोनों साइड पर कोई भी साइड लगा, दोनों साइड ये वर्क करेगा। रेजिस्टेंस को हम लगा रहे हैं। नो कनेक्शन और पॉजिटिव कनेक्शन पे लगाना है फ्रेंड, ग्राउंड को छोड़ देना है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगा है रेजिस्टेंस। साफ करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे लगा है रेजिस्टेंस। देखिए फ्रेंड, हम आपको दिखा रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसका कैसे लगा है। देखिए फ्रेंड, बहुत बारीक है, तो बराबर दिख नहीं रहा है फ्रेंड। अब इसमें हम चाइना माइक लगाएंगे, यूनिवर्सल।
ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड पे लगाएंगे, यानी माइनस पे, और रेड वायर को कोई भी साइड लगाएंगे। अगर इस साइड पे लगा रहे हैं, इस साइड पे अगर काम नहीं कर रहा है तो वायर को दूसरे वाले साइड पे लगा के चेक करें। अगर इस साइड पे काम नहीं करता है तो अगर काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये माइक लग गया है, चाइना माइक। इस तरह चाइना माइक लगाया जाता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे लगाएंगे, रेड वायर को मेन सप्लाई पे लगाएंगे। अब इसको फिट करके चेक करते हैं। मदरबोर्ड लगा रहे हैं, लगाने के बाद इसको ओपन करके चेक करेंगे कि माइक सही हुआ या नहीं। देखिए मोबाइल ओपन हो गया है। अब इसको अनलॉक कर रहे हैं। अनलॉक करने के बाद इसको वॉइस रिकॉर्डर पे चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, वॉइस इसका रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल 100% उसका माइक काम कर रहा है। बिल्कुल ये 100% सही है।